हेलो, हाँ रोबिन एजेंसी जी, मैंने ड्राइवर के लिए एप्लीकेशन दिया था आपको। जी हाँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी अर्जेंट। देखिए, मुझे आज की आज ही चाहिए। देखिए, मुझे आपका कोई बहाना नहीं चाहिए। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे आज की आज ही ड्राइवर चाहिए। आप प्लीज़ कुछ कीजिए। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। मैम, आपसे कोई मिलने आया है? हाँ, मैंने बुलाया है, ड्राइवर होगा शायद, अंदर भेज दो। जी जी, भेज दो। ओके मैडम। अरे वाह, क्या फास्ट सर्विस है, फटाक से ड्राइवर आ गया। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपने रोबिन एजेंसी में ड्राइवर के लिए बोला था, मैं ड्राइविंग के लिए आया हूँ। जी हाँ, पहले कहीं काम किया आपने? हाँ मैम, मैं इसके पहले दिल्ली में गाड़ी चलाता था, मुंबई मेरा अभी आना हुआ है। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? जी रामधनी। रामधनी, कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से मुंबई के सारे रास्ते जानते हो आप? हाँ मैम, मैं मुंबई में मोबाइल का जो GPRS होता है ना, उसको देख करके गाड़ी चला लेता हूँ। जी जी, मुझे सारे रास्ते पता है। ओके, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हाँ मैम, है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ। वैसे मैंने एजेंसी में भी जमा किए हैं और एक एक कॉपी आपके लिए भी लाया हूँ। मैं अभी अभी लेके आके देता हूँ। मैम, ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, ये रही गाड़ी की चाबी। जी मैम। इस गाड़ी की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, ठीक है? गाड़ी का पेट्रोल कब डालना है, कब सर्विसिंग करानी है, क्या करना है, जी, सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी रहेगी। जी, ठीक है। कोई शिकायत नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? जी। और जहाँ पर भी जाओगे लाइसेंस पहले कैरी करना। जी। गाड़ी के जितने भी कागज हैं वो सारे गाड़ी में रखवा देना। जी। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की काफी चेकिंग चल रही है। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक। ये सारी चीजों की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है और तुम्हें ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। जी। और गाड़ी की भी अच्छे से साफ सफाई रखना। ठीक है मैम। ठीक है, अब आप जाइए। थैंक गॉड, लिटरली मैं टेंशन फ्री हो गई। टाइम पे ड्राइवर तो आ गया कम से कम, नहीं तो इतना टेंशन, माय गॉड। गाड़ी तो ले ली लेकिन चलाना किसे आता है? हेलो, हाँ हाँ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी मीटिंग के लिए। अरे डोंट वरी, पहले मेरे पास ड्राइवर नहीं था, अभी मैंने ड्राइवर रख लिया। सो आप टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। अरे हाँ बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, उसे मुंबई का सारा रास्ता पता है। अरे ठीक है, मैं ऑफिस आके बताती हूँ, ठीक है? ओके चलिए, बाय। रामधनी। यस मैम साहब। गाड़ी निकालो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। यस मैम साहब, गाड़ी रेडी है, आप आ जाइए मैम। ड्राइवर, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? गाड़ी में से सामान निकालो और जल्दी अंदर लेकर आओ। ओके मैम,
मैं अभी लाया। रामधनी, ये क्या कर रहे हो तुम? मैम, मैं इतनी जल्दी आपके इतने करीब आ जाऊंगा, सच मैंने सोचा भी नहीं था। क्या बात है। जी मैम साहब, क्या कर रहे हो? जल्दी आओ। कुछ है मैम साहब, आया। रामधनी। हाँ मैम साहब। जी मैम साहब, तुम्हें पता है ना साहब को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है? जी मैम साहब। साहब दिल्ली जा रहे हैं और पूरे 5 दिन के लिए जा रहे हैं। 5 दिन का पूरा सामान रखा है तुमने? जी मैम साहब, गाड़ी में सामान ही रखा था मैम साहब, और आपने बुला लिया। कुछ चीजें छुट्टी तो नहीं है साहब? नहीं मैम साहब, मैं पूरा सामान रख दिया और साहब को छोड़ के आता हूँ। चलो जल्दी निकलो। ओके मैम। अरे रामधनी, साहब को एयरपोर्ट छोड़ के आ गए? हाँ मैम। और तुम ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ कहना है तुम्हें? हाँ मैम, बहुत दिन से मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज साहब ही नहीं है तो सोचता हूँ आज अपने दिल की बात आपसे कह ही दूँ। दिल की बात? हाँ मैम। क्या दिल की बात कहना चाहते हो, बोलो। मैम। क्या बात है, छुट्टी चाहिए तुम्हें? नहीं मैम। गांव में कोई बीमार है, माँ बीमार है? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। फिर सैलरी बढ़ानी है आपकी? नहीं मैम। फिर क्या दिक्कत है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं मैम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। फिर प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, क्या दिल की बात तुम कहना चाहते हो? देखो, अपने दिल की बात छुपाया मत रखो, बता दो मुझे, क्योंकि दिल की बात बोलने से ना दिल हल्का हो जाता है। बोलो क्या कहना चाहते हैं? पक्का? मैं आज अपने दिल की बात कह दूँ? जरूर। पक्का ना मैम? पक्का, बोलो। मैम, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मुझे देना चाहते हो? हाँ मैम। मैम, ये पैसे आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? मैम, दरअसल मैम, मैं आपको पसंद करता हूँ मैम, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये तुम क्या कह रहे हो रामधनी? नहीं मैम, मेरे पास और भी है। मैम, मैम, बस एक बार मैम। तुम्हारी अकल ठिकाने में है? ये सब क्या है,
नहीं मैम, मेरे पास और है। मैंने गांव की पूरी जमीन बेच दी मैम। मैं आपसे प्यार करता हूँ मैम। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है मैम। मैंने ये और पैसे मैम। रामधनी, ये क्या कर रहे हो तुम? पुलिस को बुला के अंदर करवा दूंगी। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं मैम, मैंने आपके लिए अपने गांव की पूरी जमीन बेच दी। मैं आपको पाना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार मैम। आज तो बंगले में साहब ही नहीं है मैम, सिर्फ एक बार। तुम्हें कोई अकल है? अगर तुम्हारे साहब को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? मैम, साहब तो दिल्ली गए हैं, साहब को पता भी नहीं चलेगा। मैं आपके लिए औला हूँ मैम। ये देखिए पूरे मैम, ये लीजिए मैम, ये पूरे पैसे आपके लिए है मैम। ये पूरे 15 लाख रुपए है। हाँ मैम, सिर्फ एक बार। क्या बात है रामधनी, तुमने मुझे पाने के लिए अपनी गांव की जमीन बेच दी? हाँ मैम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पैसे में बड़ी ताकत होती है। देखा जाए तो ईमानदार आदमी भी बेईमान बन जाता है। आज तुमने मुझे जीत ही लिया। हाँ ठीक है, तो चलो बेडरूम में चलते हैं। पक्का मैम? पक्का, चलिए। अरे रामधनी, शर्मा मत, आ भी जाओ। आज तुमने मुझे खुश किया, अब देखो मैं तुम्हें कैसे खुश करती हूँ। ठीक है। अब इतना भी क्या शर्मा रहे हो, अब आ भी जाओ। आज तो मेरा सपना पूरा हो गया, मैडम को मैंने पा लिया। हेलो। हेलो जानू। हाँ बोलिए जान। मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ। ओके। भेजे थे वो मिले? 15 लाख? हाँ हाँ, रामधनी के हाथ भेजे ना मैंने। क्या, वो 15 लाख आपने भेजवाए थे? हाँ, मैंने कहा था मैडम को दे देना। दे दिया ना? हाँ हाँ, मिल गए। चलो ठीक है। ओके बाय, टेक केयर। लव यू, लव यू।